नमस्कार, विद दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। स्वर्ण योजनाएं दिलाएंगी गरीबी से मुक्ति, नरेंद्र मोदी ने कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को सोने से जुड़ी 3 योजनाएं लॉन्च की और कहा कि इन योजनाओं से देश के साथ जुड़े गरीब भारत के टैक्स से मुक्ति पाई जा सकती है। मोदी ने प्रधानमंत्री निवास पर स्वर्ण मौद्रीकरण योजना, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड तथा अशोक चक्र वाले भारतीय सोने के सिक्के लॉन्च किए। लॉन्चिंग के बाद उन्होंने कहा कि देश में 20,000 टन सोना आम परिवारों तथा संस्थाओं के पास बेकार पड़ा है, फिर भी हम गरीब हैं। गरीबी का कारण भी यही है कि हमारा 20,000 टन सोना बेकार पड़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई कारण नहीं कि भारत गरीब रहे। इस अवसर पर मोदी ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करने वाले पहले 6 निवेशकों को प्रमाण पत्र भी जारी किया। यह योजना सिर्फ भारतीय निवेशकों के लिए है। इसके लिए 5 से 20 नवंबर तक आवेदन किया जा सकता है। इसकी परिपक्वता अवधि 8 वर्ष है, लेकिन 5 वर्ष के बाद इसकी बिक्री की जा सकती है। लालू यादव बोले, बिहारियों ने रोका नरेंद्र मोदी के अश्वमेध का घोड़ा। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव अपने महागठबंधन की जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं। वेब दुनिया से बातचीत में लालू ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार की ताजपोशी कराने के बाद उनका अगला लक्ष्य होगा देश को भाजपा से बचाना। जिस तरह महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ बिहार से लड़ाई शुरुआत की थी, उसी तरह भाजपा की सफाई की शुरुआत भी बिहार से ही होगी। अंतिम दौर का चुनाव प्रचार खत्म करने के बाद लालू यादव ने कहा कि बिहार का चुनाव हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन बिहारियों ने नरेंद्र मोदी के अश्वमेध के घोड़े को रोक दिया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी चलता फिरता विश्वविद्यालय हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को चलता फिरता विश्वविद्यालय की संज्ञा देते हुए देश के कुलपतियों, शिक्षाविदों तथा तकनीकविदों से उनसे मार्गदर्शन लेकर सीखने की अपील की। मोदी ने गुरुवार को राष्ट्रपति भवन में पहली बार आयोजित 3 दिवसीय विजिटर्स कॉन्फ्रेंस में इम्प्रिंट इंडिया फ्लैगशिप योजना की पुस्तिका को जारी करने के बाद यह बात कही। उन्होंने इस पुस्तिका की पहली प्रति राष्ट्रपति को भेंट की और राष्ट्रपति ने इस महत्वाकांक्षी योजना को लॉन्च किया तथा इसकी वेबसाइट का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि मुझे प्रधानमंत्री बनने का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि मैं उनके निकट आया तथा उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। उन्होंने यह भी कहा कि वह किसी बात को इतनी बारीकी से बताते हैं कि आप उनसे सीखते हैं। उनसे राष्ट्र को काफी लाभ हुआ है। असहिष्णुता पर भाजपा नेताओं के बयानों के पीछे नरेंद्र मोदी का दिमाग, कांग्रेस का आरोप। कांग्रेस ने देश में बढ़ रही असहिष्णुता की घटनाओं पर भाजपा के नेताओं की बयानबाजी के लिए सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि ये सब अहम मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने के लिए किया जा रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल ने पार्टी मुख्यालय में कहा कि भाजपा नेताओं की बयानबाजी से देश में माहौल बिगड़ रहा है और इसके पीछे मोदी का दिमाग है। उन्होंने सवाल किया कि क्या आपको लगता है कि मोदी की शह के बिना भाजपा के नेता ऐसे बयान दे सकते हैं। अमेरिका ने आईएस के खिलाफ 25 हवाई हमले किए। अमेरिका के नेतृत्व वाली गठबंधन सेनाओं ने आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट के इराक और सीरिया स्थित ठिकानों को निशाना बनाकर 25 हवाई हमले किए। अमेरिकी सेना की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि गठबंधन सेनाओं ने बुधवार को इराक के 6 शहरों पर 19 हमले किए। वहीं सीरिया के अल हसाका, अल हॉल और डायर अज्जार शहर पर भी हवाई हमले किए। हमले में आईएस के कई ठिकाने, हथियार भंडार और वाहन तबाह हो गए। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।